एक अनार सौ विवाद। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों वेलकम टू माय चैनल रिव्यू एक्सपर्ट। और आज मैं आप लोगों के सामने नेटफ्लिक्स की मूवी चमन बहार का रिव्यू करने आया हूँ। और ये मूवी बिल्कुल एक मुहावरे एक अनार सौ विवाद पे बिल्कुल खरी उतरती है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म के लीड एक्टर रोल में हैं जितेंद्र कुमार, जो कि अपनी एक्टिंग को साबित कर चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले उनकी एक पंचायत मूवी आई थी, पंचायत वेब सीरीज थी तो छोटे बजट की, लेकिन ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग किया था। और उसके बाद अभी उन्होंने चमन बहार में लीड एक्टर रोल में नजर आए हैं। चमन बहार स्टार्ट होती है एक छोटे से गाँव में, और जितेंद्र कुमार का नाम उसमें बिल्लू नाम रहता है, जो कि एक पान की दुकान खोलते हैं एक हाईवे के आसपास एक गांव में। और वो इस वजह से खोलते हैं कि वो काफ़ी चलेगी, लेकिन उनको पता चलता है कि गांव की जो सीमा रहती है वो थोड़ा अलग हो गई है। उसकी वजह से जो ट्रैफिक लगता था हाईवे, वो अभी वहां से दूसरे तरफ चला गया, तो उनकी दुकान चलती नहीं। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद उनके सामने एक मकान रहता है, उसमें एक फैमिली आती रहने, और उस फैमिली में एक लड़की, खूबसूरत लड़की रहती आती है उस फैमिली के साथ, और उसका नाम रिंकू रहता है, और वो काफ़ी खूबसूरत रहती है। जब वो कॉलेज जाती है अपनी स्कूटी से, तो पूरे शहर के लड़के गांव के उसको घर तक छोड़ने आते हैं, ले जाते हैं, पूरा शहर उसका दीवाना हो जाता है। फिर क्या होता है, यहीं से बिल्लू की चल पड़ती है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, अब जहाँ उसको अपनी पान की दुकान पर मक्खी मारनी पड़ती थी, अब लड़कों का लाइन लगा रहता है। अब धीरे धीरे वो अपनी दुकान बढ़ाता भी है, कोल्ड ड्रिंक भी रखता है, पान रखता है, इवन कैरम की भी व्यवस्था करता है, काफ़ी दुकान चलती रहती है। अब आगे देखेंगे कि उन लड़कों का क्या होता है, और उन लड़कों के साथ साथ बिल्लू के भी दिल में कहीं ना कहीं उस लड़की के प्रति कुछ ना कुछ दिल धड़कने लगता है। तो क्या होता है, इवन उस सब के लिए उसको जेल तक भी जाना पड़ता है। अभी आगे क्या होगा, वो उस सब को जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, और ये काफ़ी इंटरटेन करेगी आपको, कॉमेडी भी है सब कुछ, आपको ड्रामा बेस्ड मूवी है, आपको सब इसमें नजर आएगा। और जितेंद्र कुमार ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग किया है इसमें, है तो छोटे बजट की मूवी, लेकिन आपको काफ़ी पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को चमन बहार का रिव्यू पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी के थ्रू आपको अपकमिंग अलर्ट और नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।